नमस्कार साथियों, 1 तारीख को करवा चौथ है और करवा चौथ की बात करें तो यहाँ पर करवा चौथ का अवकाश है या नहीं, हम इस वीडियो में इसे जानेंगे। आप प्रतिदिन शिक्षा विभाग से संबंधित लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो आपको लगातार मिलते रहे। साथियों, 1 तारीख को करवा चौथ है। करवा चौथ का अगर देखा जाए तो इसका विशेष अवकाश नहीं रहता है और इसमें अगर देखा जाए तो हम कैलेंडर देख रहे हैं, इसमें शासकीय अवकाश की बात करें तो जो 15 तारीख को बिरसा मुंडा जयंती का अवकाश है, वहीं 27 तारीख को गुरु नानक जयंती का अवकाश है। वहीं देखें तो दीपावली अवकाश जो कि शिक्षक और विद्यार्थियों के लिए 10 से 15 तक है, 10 तारीख से 15 तारीख तक है। वहीं इसमें कहीं भी उल्लेख नहीं दिख रहा है कि करवा चौथ का अवकाश रहेगा। अब बात करते हैं ऐच्छिक अवकाश की, तो ऐच्छिक अवकाश में क्लियर दिया कि पहला ही 1 तारीख को जो 1 नवंबर को है वह करवा चौथ पर्व है और इसी की ऐच्छिक अवकाश है। अब हमारी बहुत सारी जो महिलाएं स्कूल शिक्षिका हैं और साथ में जो अन्य महिला कर्मचारी हैं, उन्हें 1 तारीख को करवा चौथ का एक दिन ऐसा पूरा दिन व्रत जो रखती हैं तो उसमें अवकाश की आवश्यकता पड़ती है। अब अवकाश कैसे ले, तो यहाँ पर अवकाश आप जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना आवेदन दे करके इसे स्वीकृत करवा सकते हैं और ऐच्छिक अवकाश ले सकते हैं। यानी अवकाश आप ले सकते हैं ऐच्छिक अवकाश और इसका लाभ आप जिला निर्वाचन कार्यालय में अपना आवेदन दे करके स्वीकृत करा करके इस प्रकार से अपना आवेदन ले सकते हैं। साथ में अगर देखा जाए तो अभी आचार संहिता चल रही तो इस वजह से जो अवकाश है वह स्कूल स्तर से स्वीकृत नहीं हो रहे हैं और आप अपना जो अवकाश है वह वरिष्ठ कार्यालय से स्वीकृत कराएं और इस प्रकार से